जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन क्लिक करें। गुस्से में लिए हुए डिसीजन हमेशा पश्चाताप में कन्वर्ट होते हैं। अक्सर इंसान मनुष्य आज के जमाने में कई ऐसे डिसीजन ले लेता है जो दिमाग से नहीं लेता, गुस्से में आके ले लेता है, विवेकहीन होकर ले लेता है और उनके पश्चाताप उसे जिंदगी भर करने पड़ते हैं। चाहे जॉब स्विच करनी हो, चाहे दूसरा बिजनेस करना हो, बगैर दिमाग का इस्तेमाल करे कि उससे क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये सोचे बगैर अगर ऐसा कोई डिसीजन आपने लिया है तो उसका पश्चाताप आपको हो सकता है बाद में जाके। और इंसान जो डिसीजन वर्तमान में लेता है उसका भविष्य वैसा ही बनता है, क्योंकि जो आपने भूतकाल में डिसीजन लिए हैं उसी का नतीजा आज आप भुगत रहे हो। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, ऐसा आचार्य चाणक्य जी कहते हैं। आज मैं आपको महाभारत का किस्सा सुनाऊंगा। दुर्योधन जो बहुत ज्यादा विष रखता है अपने भाइयों के लिए, वो युधिष्ठिर को द्वित क्रिया के लिए बुलाता है, जुए के लिए बुलाता है, और युधिष्ठिर उस जुए के निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लेता है बिना सोचे समझे कि सामने वाले से तो मैं जीत जाऊंगा ही। हालांकि शकुनी मामा ने उसे जबरदस्ती ऐसी दो चार बारी ऐसी जिता दिया, ये सोचा के सोच के कि भाई वो मैं जीत ही जाऊंगा, वो युद्ध वो एक तरीके से द्वित क्रिया के लिए यानी जुए के लिए तैयार हो जाता है। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पांचों पांडव आते हैं और आके द्वित क्रिया यानी जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सोच करके हम जीतेंगे ही जीतेंगे। इतने में दुर्योधन और शकुनी मामा चलते हैं अपनी पहली चाल। वो कहता है कि दुर्योधन कहता है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, अपने धैर्य का इस्तेमाल करता है, हालांकि उसको भी बहुत गुस्सा आता है, मगर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके दुर्योधन बोलता है कि मेरे पास शकुनी मामा फेंकेंगे। ये बोलकर वो गेम को स्टार्ट करवा देता है। ये बात देखकर सब सभा में बैठे बैठे, चाहे कोई भी हो, आचार्य द्रोण हो या फिर भीष्म पितामह हो या जितने भी विदुर हो, सब मना करते हैं, मगर जो युधिष्ठिर होता है अपने पांचों भाइयों के साथ तैयार रहता है खेलने के लिए, ये सोचकर कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। और अंत में होता क्या है आप सबको पता है, वो अपनी बीवी को तक हार जाते हैं। और यही इसमें एक मैसेज दिया है कि जुआ इस दुनिया का सबसे बड़ा विष है, और इंसान जो विवेक में खो देता है, विवेक खो देता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण जी ने इस बारे में भी कहा है कि अगर इंसान अपना विवेक खो देता, जैसे कि युधिष्ठिर ने अपना विवेक खो दिया, अगर वो बोलता पासे फेंकने के लिए कृष्ण भगवान जी को निमंत्रण देता तो निश्चित ही जीत उन्हीं की होती, मगर उसने विवेक का साथ नहीं दिया, ना अपने विवेक का इस्तेमाल करा, ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करा और सोचा मैं तो जीत ही जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी यहां बहुत ज्यादा था, इसी वजह से वो लोग हारे। भगवान कृष्ण जी ने कहा जब दुर्योधन ने पासे फेंकने के लिए अपने मामा को आगे करा तो तुम भी मुझे आगे कर सकते थे, मुझे बोल सकते थे कि पासे मैं फेंकूं, यानी भगवान कृष्ण जी फेंके, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और यही इंसान गलती करता है, अपने बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे होशियार बनकर, अपने दिमाग को कम से कम ये सोचकर कि मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं ये कर लूंगा, और गलत डिसीजन लेकर अपना सब कुछ हार जाता है। जिंदगी में आप कुछ भी डिसीजन ले, अपने बड़े बुजुर्गों का एक बार ओपिनियन जरूर ले, वो आपकी डिसीजन आपके हितैषी ही रहेंगे। आपके माता पिता जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे डिसीजन लेने से पहले जरूर पूछें। विवेक को कभी ना खोएं, गुस्से में ली हुई हर डिसीजन आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको गरीब बनाएगा, और यही डिसीजन आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। अब आपके ऊपर है आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, आपके ऊपर है कि आपको अपनी जिंदगी को किस तरीके से भुगतना है। और यही गलती युधिष्ठिर ने करी और उसका उसने खुद पश्चाताप करा 14 वर्ष तक वनवास काटकर, जिस गलती का उसको एहसास बाद में हुआ। इसलिए अपनी गलती कभी भी मत होने दें, हमेशा सोच समझ कर दिमाग से गुस्से में कोई गलत काम ना करें। गुस्सा इंसान का प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, तो गुस्से को त्याग दें। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।